अस्सलाम वालेकुम। आज मेज़नीन की टीम जरा बाहर निकली हुई है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग किसी लाइब्रेरी जा रहे हैं ना, कुछ बुक्स पढ़नी है। कुछ मूड हो रहा है कि घर से बाहर निकल के किताबें वगैरह देखी जाए। बिल्कुल, तो आज हमने सोचा है कि ज़रा सा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करेंगे। आज थोड़ा हमारा मुताले वगैरह का मूड हो रहा है, तो हम लोग आज बाहर निकले हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कि हम कितनी प्यारी जगह से गुजर रहे हैं। और ये हमारी मेज़नीन टीम की को होस्ट जो हैं वो ड्राइव कर रही हैं, एंड शी लव्स टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। तो देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेट्स लुक एट इट। तो हम लोग जिस जगह से गुजर रहे हैं, ये थोड़ा एग्रीकल्चरल एरिया है। हम लोगों को बहुत पसंद है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पीस होता है, अच्छी खामोशी होती है, सीनिक है। अगर आप इधर देखें तो हर जगह ये इस तरह से लैंड है, आगे जाके ऑर्चर्ड्स हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। आपको पर्सनली ये रास्ता पसंद है या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है। कुछ हम लोग जो रश है वो कम हो जाता है फ्रीवे का। जी, फ्रीवे का रश बहुत ज़्यादा है और इस वक्त 605 का ट्रैफिक जो है वो हॉरिबल होता है, लिहाजा मुझे अच्छा लगता है खामोशी में जाना। जी, सामने का जो फ्रंट व्यू है वो ज़रा ऐसा है। और यहाँ पर आजकल बग्स का बहुत शदीद सीज़न चल रहा है, तो सुबह शाम हर वक्त जब आप बाहर निकले फॉल में बग्स आके विंडशील्ड को टकरा रहे होते हैं। लोग तीन तीन चार चार दफ़ा दिन में गाड़ियाँ धुलवाते हैं और विंडशील्ड साफ़ करवाते हैं, मगर फिर भी बग्स के जो स्प्लैटर्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो अभी हम जिस जगह पहुँच रहे हैं वहाँ तकरीबन हमको एक घंटा लगेगा। ये टू वे रोड पे जो है ना, ये कोई लाउजी ड्राइवर सामने आ जाता है एंड आई हैव टू ओवरटेक एंड ही इज गोइंग रियली स्लो, वेरी स्लो। प्लीज बी केयरफुल, ये ओवरटेक वाली सिचुएशन से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। फॉरगेट अबाउट इट, कोई गाड़ी आ रही है। अगर आपका स्पॉट ब्लाइंड है आगे तो प्लीज डोंट रिस्क इट। ऑल्दो कुछ लोग समझते हैं कि मैंने मास्टर कर लिया आर्ट ऑफ ओवरटेकिंग, लेकिन मैं पर्सनली पसंद नहीं करती इसको। अच्छा, ये साइड में किस चीज के दरख्त हैं? क्या ये मेज है? हाँ, कॉर्न है। ओह वाओ, वो अभी आ रहा है ना हैलोवीन। हाँ, इसके लिहाज से लोग अभी इसमें मेज को मेज बनाएंगे। ओह, पम्पकिन पैचेस वगैरह शुरू होंगे, राइट? ओह नाइस, देखिए ये कितने घने होते हैं। सो ब्यूटिफुल, अल्लाह मियां ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। आप में पेशेंस है इतना ड्राइव करने की? बिल्कुल, 80 माइल्स पर जा रही है गाड़ी। और देखिए साइड में आपको इनके पीछे हर किस्म के बड़े बड़े व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स गुजरते हुए भी नजर आएंगे। अभी एक 18 व्हीलर भी साइड में से ये जो रेड गुजरा है आपको नजर आया है। तो माशाल्लाह हमारी ड्राइवर काफी रिलायबल है और इनको अच्छा लगता है बाहर निकलना। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव्स के कुछ अच्छे फवायद बताइए। आप सुकून में होते हैं, ट्रैंक्विलिटी इज देयर, और मतलब एक बहुत सी ख्यालात, आइडियाज, थॉट्स आपके साथ चल रहे होते हैं। और अगर सीन खूबसूरत हो, आसपास के सीनिक व्यू हो, तो फिर क्या ही बात है। और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं सूरह रहमान और सूरह यासीन लगा के तर्जुमे के साथ वो सुनती हूँ, तो लगता है जैसे एक फ्लो में चल रही है लाइफ ना, वो महसूस होता है, वो टाइम, वो जो ताकत है ना अब की, के एट द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। तो आप रेकमेंड करेंगे कि लोगों को लॉन्ग ड्राइव्स में जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, क्यों नहीं। और हम सॉरी, हम यहाँ पे बता दें कि हम अबाउट 35-40 माइल्स दूर जा रहे हैं, तो हमारा तो लॉन्ग ड्राइव इसी तरह से, बाय लॉन्ग ड्राइव वी डोंट मीन कि 4-5 घंटे का रास्ता है, अबाउट 35 माइल्स इज हाउ फार वी आर गोइंग। इज देयर अ रीजन कि आप हर स्टॉप साइन पे लाइक 15 माइल्स दूर रुक रही हैं? थैंक यू डार्लिंग। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कंपनी रखता है ये बच्चा। और ये मुझे लग रहा है कि ये अच्छा मेज़ के ख़त्म हो गए और एक्चुअली किसी किस्म के ओर
ऑर्चर्ड्स शुरू हो गए. आई डोंट नो ये किस चीज़ के ऑर्चर्ड्स हैं. और ये फिर मेज शुरू हो गया. कॉर्न जो है वो फुल ब्लूम में है माशाल्लाह. और यहाँ पे किसी चीज़ के ऑर्चर्ड्स हैं अभी नहीं पता चल रहा. अच्छा अब हम ज़रा फ्रीवे के ऊपर चढ़ गए हैं और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा 18 व्हीलर्स और हर किस्म का ट्रैफिक जो है वो गुजरता हुआ नज़र आएगा. तो मैं ड्राइव करूँ? नहीं काफ़ी है. क्यों? अच्छा नहीं मैंने कहा शायद थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ दे दूँ अगर यू वांट मी टू ड्राइव. नहीं नहीं माशाल्लाह आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी तरह आप ड्राइव करती हैं. तो चलिए अब आपको ज़रा थोड़ा फ्री वे का मंजर भी दिखाते हैं. अच्छा ये देखिए किस कदर बड़ा 18 व्हीलर जो है वो बराबर में चल रहा है. और इस 18 व्हीलर के ऊपर भी लग रहा है कि बहुत हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रखा हुआ है. तो यहाँ पर इस तरह से फ्रीवेज पे आपको बहुत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं. अब फ्रीवे की तरफ आ जाते हैं. बिल्कुल ही आज तो खैर संडे है तो फ्रीवे काफ़ी खाली है वरना US में तमाम फ्रीवेज ज़्यादातर ब्लॉक्ड होते हैं. दे आर ऑलवेज जैम पैक्ड. वैसे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था पीछे. आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस कि वो इक्विपमेंट क्या है और किधर जा रहा है. ड्राइविंग टेल्स. तो आपको पाकिस्तान की और यहाँ की ड्राइविंग में बिकॉज यू हैव लिव्ड ओवर देयर एज़ वेल क्या फ़र्क लगता है? पाकिस्तान में जो अर्ली मेरा चाइल्डहुड था और जब मैं कॉलेज जा रही थी ट्रैफिक तो ज़बरदस्त था. बहुत साफ सुथरा कुछ इस तरह की जो अब ट्रैफिक हो गया है कि मैं परेशान हो जाती हूँ जाके. और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मतलब किसी एक जगह से निकल के किसी रिश्तेदार से भी मिलने जाऊँ. तो मैं सबको इत्तला कर देती हूँ भाई यहीं पर आ जाओ प्लीज़ क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है. और मैं जब बैठती हूँ ना गाड़ी में तो चीखे मारना शुरू कर देती हूँ. अरे अरे इसको बचाए बोले के सामने आ रहे हैं. अरे देखे ना. तो मेरे भाई कहते हैं एक्सीडेंट अभी तक तो हुआ नहीं है लेकिन तुम्हारी चीखों से ज़रूर हो जाएगा. और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमको आदत है हम उसको बचाएंगे वो हमें बचाएगा. तो माशाल्लाह क्या फार्मूला है. अच्छा वो उसको बचाए पुलिस किसको बचाती है? पुलिस जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ देती है सब के बंदे खुद ही डील कर लेंगे. आप लोग खुद बच बचा जाए और अगर नहीं बचे तो टेंशन के दरवाजे खुले हुए हैं. टेंशन लेने की जरूरत क्या है भाई. उनको कहते भाई अल्लाह जाने बंदे अल्लाह के बंदे अल्लाह ही बचाएगा. खुद बच बचा ले अपने आप को. पुलिस का नजरिया ये है राइट. बिल्कुल. जस्ट काइंड ऑफ प्रोटेक्ट ईच अदर और अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम गायब हैं. तो मेरी अम्मी आई थी ना तो मुझसे यही कह रही थी भाई यहाँ तो तुम बड़े मजे से गाड़ी चला लेती हो कराची में नहीं चला सकती. मैंने कहा अम्मी कराची का ट्रैफिक तो इतना अच्छा है. तो अम्मी कह रही अब नहीं रहा वैसा. अच्छा वैसे एक बात ये भी है कि वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि यहाँ पे माशाल्लाह लोग अगर रात को भी इमरजेंसी में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आवर्स ड्राइव कर रहे हो लोग तो एवरीबॉडी फॉलोज प्रोटोकॉल राइट. सब लॉस फॉलो करते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि वो लॉ ब्रेक कर रहा है या कुछ कर रहा है. तो ये बहुत अच्छी बात है. ट्रैफिक लॉस एवरीबॉडी शुड फॉलो. अच्छा ये देखिए यहाँ पर रोड वो कंस्ट्रक्शन भी हो रही है साइड पे और पूरा जो है वो 18 व्हीलर साथ साथ ही चल रहा है मगर हर कोई जो है वो अपने अपने उसमें चल रहा है. ये रोड के साइड पे हरियाली कितनी अच्छी लगती है. यहाँ पे बिल्कुल ही खेतों और खलियानों से गुजर रहे हैं. एक्चुअली हम कहाँ से गुजर रहे हैं? कहीं कहीं बीच में लोगों के घर उनके रैंचेस भी हैं. मगर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पर. वेल कहीं ना कहीं जा रहे हैं. हाँ हाँ हम GPS को फॉलो कर रहे हैं. हम बिल्कुल सही जा रहे हैं. कहीं ना कहीं तो निकलेगा इंशाल्लाह ये. उफ क्या ब्यूटीफुल. अच्छा हमारा राइट ऑफ वे किस कदर खूबसूरत ये व्यू है. ओह माय. अच्छा
थोड़ा सा कहीं से स्लाइड लेफ्ट आ रहा है आगे से, आई थिंक वो स्टॉप साइन से। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स भी हैं। हम लोग इस तरह से ये यहाँ पे तार देखने की हमको ज़रा आदत नहीं रही, क्योंकि ज़्यादातर वायरलेस होते हैं। और गुडनेस, रेल की पटरी भी है यहाँ पर। अरे भैया, कोई गांव में तो ये सब निकलेगा ना, रेल की पटरियाँ भी नजर आएंगी। अमेजिंग, शुक्र करो कोई रेल नहीं है इसमें। स्टोर तो हम आ गए हैं और चल के देखते हैं कि हमें कैसी बुक्स मिलती हैं, क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी दूर हम किताबों के शौकीन ऑलमोस्ट एन आवर ड्राइव कर कर यहाँ आए हैं। तो वो मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ द होल बुक स्टोर। तो चल के देखते हैं कि हमें अंदर क्या क्या नज़र आता है। कैसा लग रहा है आपको फाइनली बुक्स के स्टॉक में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सुकून चाहिए होता है यहाँ पर आके बैठ के देखने का, और खास तौर पर पढ़ने का। बुक्स का ना, राइट। आपको लगता है जैसे आप बहुत एक ऐसी दुनिया में पहुँच गए जिसका खुलना और उसका जो डेप्थ है उसकी अब आपको महसूस होती है। बिल्कुल। और आपने कुछ, यहाँ पे कैफे भी है तो कुछ आपने ड्रिंक्स या कुछ वो लिया? मैंने लिया ये स्ट्रॉबेरी ड्रिंक लिया। अच्छा, बहुत मजे की है। ओ ये स्ट्रॉबेरी है ना। ओ नाइस। अच्छा, ये माशाल्लाह एक न्यू आइटम हमने ट्राई किया है, स्ट्रॉबेरी लेमन बार। कैसा है ये? बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, राइट? बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है लेकिन अच्छा है। मुझे ज़्यादा मीठा चाहिए मेरी। और मेरी जो ड्रिंक है वो ये है, इट्स अ आइस्ड चाय लाटे। और मुझे भी मतलब थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। ये देखिए ये ब्यूटीफुल बोर्ड्स, प्लैटर्स, खूबसूरत तरीन हर किस्म की यहाँ पर बुक्स हैं। और हम लोगों को बुक स्टोर बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए हिस्टोरिकल भी हैं, गेम्स की भी हैं, फियरलेस पब्लिक स्पीकिंग, हर किस्म की जो आपका इंटरेस्ट हो उसके लिए यहाँ पर बुक मौजूद है। ये पूरा फैंटेसी का बुक्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपको जॉर्ज मार्टिन की भी बुक्स मिलेंगी जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा है, और बहुत सारी फायर एंड गोल्ड, डांस विद द ड्रैगन्स। बस इंसान को पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, रीड करने में। द प्रिंसेस ब्राइड और हर किस्म की यहाँ पर बुक्स मौजूद हैं। ओके, एक अच्छी बात यह है कि जब यहाँ बंद होने लगता है तो उसके 15-20 मिनट्स पहले से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि आप अपने सारे सिलेक्शंस फाइनलाइज कर लें, उसको रजिस्टर पे लेके आएँ, और बंद हो जाए आप उसको पे कर दीजिए और वक्त पे बंद कर सकेंगे, ताकि सारे एम्प्लॉज एसोसिएट्स टाइम पे अपने घर जा सकें। टाइमलीनेस की यहाँ बहुत वैल्यू है, जैसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, राइट? और मैंने थोड़ा सा वॉक अराउंड करके स्टोर के आप लोगों को डिफरेंट सेक्शंस दिखाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कम बैक टू दिस लोकेशन सून। और यहाँ पर हम एक लॉन्गर वीडियो बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। अभी मेरी कोहोस्ट जो हैं वो एक स्टैक ऑफ आइटम्स लेकर आई हैं, तो चले देखते हैं कि ये क्या एक्सप्लोर करके आई हैं वायर में आप लोगों से बात कर रही थी। जी जनाब, आप क्या लेकर आई हैं? ये है शॉपिंग लिस्ट, जो कि ग्रोसरी के लिए बहुत अच्छी ज़रूरी है। अक्सर जाके याद आता है कि कौन सी चीज़ लिखी नहीं थी तो वो भूल गए। फिर ये है 52 लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये
अपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं इसमें क्या क्या करने और ये बहुत प्यारी मेडिटेशन की बुक है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या मेडिटेशन हो सकती है, किस तरह 369 लॉज ऑफ अट्रैक्शन। और ये बहुत खूबसूरत बुक है, प्रिटी रूम्स। ये मैं लेके आई हूँ, ये मैं चेकआउट करूँगी, ये मैं खासतौर पे आपके लिए लेके आई हूँ। I want to see what it's about. चलें तो थोड़ी देर अब पढ़ भी लें, आई थिंक 15 मिनट में बंद होने वाला है, हमको तो बुक सर्च करने में सारा टाइम लग गया। हम लोग नेक्स्ट वीक फिर आ सकते हैं ना, इंशाल्लाह। ये भी बहुत जेन पैकर फ्लावर्स, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स को किस किस तरह और कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, बहुत प्यारी बुक है ये। देखें आप कॉम्बिनेशन आपको बताए जाते हैं, बहुत खूबसूरत। चलें तो थोड़ा सा हम मुताला करके फिर आपसे दोबारा मिलते हैं।